यहाँ पर मैं कुरान जीत पा रही हूँ। और मैंने चने भी भिगोए हुए हैं दही भल्ले बनाने के लिए। मैंने चलो आज ही भल्ले बना लेती हूँ। और मैंने जाय नमाज बिछाई हुई है, जो भी सजदा आता साथ साथ में सजदा करते जा रही हूँ कुरान जीत का भी। और ये चूज़े भी इधर ही खेल रहे हैं। असर की नमाज का टाइम होने वाला, आधा घंटा रह गया, क्योंकि अभी इफ्तारी का भी बनाना है और नमाज पढ़नी है। यह काम कर लेते हैं अभी, कुरान मजीद लेके जाने लगे नीचे। और मौसम देखिए बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ मिस रिजवान भट्ट। तो यहाँ आज मैं बनाने लगी आलू बैंगन। यहाँ आलू भी मैंने उबाल के रख लिया, साथ साथ तारी का सामान बनाने लगी हूँ। दही भल्ले के लिए आलू भी उबाल लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ये चने भी उबाल करके रख लिए हैं। साथ साथ हंडी बना लेती हूँ, साथ में ये तारी का सामान भी तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए घी। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया, गर्म हो गया। अब इसमें डाल देते हैं मसाले वगैरह सारे। इनका प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन और अदरक हल्का हल्का सिर्फ मैंने इसमें ऐड किया है, लहसुन और अदरक। जैसे कि हाफ से भी हाफ चम्मच लिया है मैंने लहसुन अदरक का। तो यहाँ बैंगन को मैंने कट कर लिया है। ये देखिए एक बैंगन था ज़रा वो हार्ड था, इसको मैंने छिलका उतार लिया, बाकी का मैंने छिलका नहीं उतारा। दो तीन थे, एक का उतारा, दो का नहीं उतारा। देखे ये अच्छे थे ये बैंगन, इसका भी मैंने छिलका नहीं उतारा। तो यहाँ मैंने नमक, मिर्च और हल्दी भी ऐड कर दिया। अब इसकी सुबह से बुनाई कर लेते हैं 10 से 12 मिनट तक। यहाँ मसाले की बुनाई हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दिए हैं बैंगन, और बैंगन मैंने ऐड कर दिए। 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। अब इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं और हल्की आँच पर इसको पकने देंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बैंगन ने भी हल्का सा पानी छोड़ा हुआ है, और हल्का सा मैंने भी पानी ऐड कर दिया, जैसे कि 2 घूंट पानी होता है, जैसे इतना सा पानी से मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ देखिए मैंने बैंगन भी हमारे तैयार है, थोड़ा सा मैंने ऐसे करके थोड़ा इसे मिक्स कर लिया था, इनको हल्के आँच पर मैंने पकने दिया है। और हरा धनिया डाल के फाइनल हो गई हमारी हंडी तैयार। आप भी ऐसे बना कर ट्राई करके देखें। इसमें मैंने देखे आपके सामने जो चीज़ें डाली है वही चीज़ें मैंने दिखाई हैं, जो मैंने डाली है ना। आप भी ऐसे बना के देखें, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बनेंगे। ये रही हमारी आज की इफ्तारी, दही भले और फ्रूट वगैरह, समोसे और यहाँ पर पकौड़े, शरबत वगैरह। दुआ मांगे अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने की हिम्मत दे, आमीन। मैं पहली बार रमज़ान मुबारक में मदीने पाक की खजूरे से ही रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर साल मुझे रमज़ान मुबारक में मदीने की खजूरों से ही इफ्तार करने की तौफीक दे, आमीन इंशाल्लाह। और यहाँ यह सब मैंने सैर के लिए बनाया है, चाय भी बना लिया है और रोटी भी, सालन और साथ दही और साथ में लस्सी। लोग अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।